जिस बहन बेटी माँ की इज्जत उसके सामने लूटी जाए वो फिर भी नारा लगाए तो हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे भाइयों, तो 27 अक्टूबर को किसने मजबूर किया कि वो जाके कश्मीर पे कब्जा करें? जब तो रेल भी चला रहे हो, जब आप वो ट्रांसपोर्ट भी चला रहे हो, तो पीछे से बगावत क्यों कर दी? और जो बागी भेजे पीछे से उनकी असला भी बंद कर दिया, ताकि वो मरे। वो उधर खैबर पख्तूनख्वा में वो फसाद करते थे, सोचा कि उधर फसादी मरे, और उसका हुआ क्या कि ये कश्मीर हमारा दो टुकड़ों में। अब आ जाऊंगा थोड़ी सियासी, लेकिन सब मकतबा फिक्र के लोग हैं, लेकिन मैं कश्मीर के इतना पर मैं बात करूंगा। इधर नारा लगाया कि कश्मीर की आजादी अजमी आजादी 100 साल तक लड़ेंगे। अल्लाह की कसम झूठ था, खुदा की कसम झूठ था कि 100 साल लड़ना, जाके शिमला और मायदा ताशकंद जाके देखे। उसमें किया क्या कि एक इंटरनेशनल मसले को जो कि अकवाम मुत्तहदा ने हल करना था, जो कि दुनिया के चौधरी ने हल करना था, उस मसले को उठा के इतना बड़ा मसला है। तो भाई कश्मीरियों का मसला किधर गया? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये जमीन के एक तोड़े का मसला नहीं है, ये मसला है 2 करोड़ कश्मीरियों का, जो 6000 साल से खुद मुख्तार थे, जिनका अपना सिक्का चलता था, जिनका सारी को सारा कारगुजारी सारा निजाम अपना था। फिर क्या हुआ जी कि जाके शिमला और ताशकंद मायदे में क्या किया जी? अच्छा जी, अस ये कर लेंगे, और ये कश्मीरियों का मसला नहीं, तुस्ता मसला, ये कश्मीर का मसला है 2 करोड़ लोग। फिर क्या हुआ जनाब? मैं माधव के साथ, मैं भी इस पार्टी में भी रहा, बाकी में भुट्टो साहब ने यह फरमाया, यार इधर मुजफ्फराबाद में 2 पहाड़ों के दरमियान क्यों लटक के बैठे हो? इधर तो हम इसको गवर्नमेंट हाउस बना देते। फिर गिलगित बल्तिस्तान को जो कि एक हमारी इकाई है, हमारा एक हिस्सा है, उसको क्या किया? तो क्यों बाप ने वो उसको सूबा बनाया जी? जब आपने उसको भी सूबा बनाया, फिर उसका ये हुआ कि हिंदुस्तान को आप क्या रोकेंगे जी? जब आप इधर वो कहते हैं कि ये इनकलाबी हुकूमत है, ये पूरा कश्मीर आजाद होगा, तो फिर इसका कोई फैसला कश्मीरी करेंगे, तो फिर आपको क्या जरूरत थी इधर? किसने, मैं पूछना चाहता हूं उन पाकिस्तान की सियासी जमातों से, कि किसने कश्मीर हाउस के बोर्ड उतारे थे? राजीव गांधी आ रहा, हमारा खून, हमारा पानी, हमारा भेजा, हमारी मतलब टिक्का बोर्ड।